रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में आखर निकल चुके दिनेश कार्तिक अपने पुराने दिनों की शानदार झलक दिखा रहे हैं कार्तिक ने अभी तक एक फिनिशर का रोल बाखूबी निभाया है जब वो निचले क्रम पर बैटिंग के लिए आते हैं तो कुछ ही ओवरों का मामला बाकी होता है कार्तिक इन्हीं चंद गेंदों पर अपना रंग जमा रहे हैं अपने ताज़ा मुकाबले में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चौदह गेंदों पर चौंतीस रनों की शानदार पारी खेली भले ही वो मैच जिताने में चुप गए लेकिन उन्होंने जडेजा एंड कंपनी के रोंगटे जरूर खड़े कर दिए थे कार्तिक और सुयश की पारियों के बदौलत आर सी बी हैरत अंगेज ढंग से टारगेट के करीब आ चुका था कार्तिक ने इस मुकाबले से इस बात पर अपनी राय दी थी कि वो इस सीजन में किस टीम को विजेता के तौर पर देख रहे हैं आपको बता दें कार्तिक ने आई पी एल टी ट्वेंटी डॉट कॉम पर हंसते हुए कहा मैं भविष्यवाणी करने वाला आदमी नहीं हूँ लेकिन मुझे कहना होगा कि कैंप में मूड काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम अच्छे स्पेस में हैं तो निश्चित तौर पर फिलहाल हम प्रतियोगिता में दावेदार हैं आर भले ही ये मुकाबला हार गई हो लेकिन उसने जो पिछले तीन मैच जीते उनमें दिनेश कार्तिक ने अहम भूमिका निभाई थी आपको बता दें जब कार्तिक से पूछा गया कि वो बैटिंग करने से पहले क्या रणनीति अपनाते हैं तो उन्होंने कहा ये सब हालातों का जायजा लेने के बारे में है मैं अपने अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए उस दिन विकेट पर अपना बैच देने की कोशिश करता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मुझे पूरी स्पष्टता दी गई है और मैं अपना बैच देने की कोशिश कर रहा हूँ जानकारी के लिए बता दें इस साल कार्तिक को मेगा ऑप्शन में साढ़े पाँच करोड़ रुपए की रकम पर लिया गया है वो लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और विकेट कीपर का रोल भी अदा करते हैं इस खबर में फिलहाल इतना ही बनरिया वन इंडिया हिंदी के साथ